हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस की एक नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। संघर्ष से कभी भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी एक फिल्म देखी होगी, 12th Fail, और उस फिल्म में बताया गया कि मनोज कुमार शर्मा जो IPS थे, उन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया जो स्टूडेंट जीवन में, और तब उसके बाद भी वो संघर्षों से डरे नहीं और अंत में वो सफल हुए। तो चलिए उसी की तरह मैं भी ये कामना करता हूँ आप सब भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव जो पारित हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 में कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया ये, ठीक है। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया, तो किसने पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, ठीक है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1924 बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, इन दो अधिवेशनों में कांग्रेस की अध्यक्षता, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन। अधिवेशन कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। दूसरी बात, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। त्रिपुरी अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध मुस्लिम लीग से है। तो चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के उसमें शामिल कर लिया गया, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। कांग्रेस के जो राज्यों में सरकार थी उससे इस्तीफा दे दिया था विरोध प्रदर्शित करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंग्रेजों ने भारत को, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए, सहयोग प्राप्त किया जाए, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा। कौन सा प्रस्ताव भेजा? अगस्त प्रस्ताव 1940 में क्या आता? अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। और आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए क्या क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन लाया था? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने कहा था कि ये दिवाली हो चुके बैंक का चेक है, या ऐसे बैंक का चेक, ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल चुकी है, ठीक है। 1946 में क्या था? कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा का गठन किसके प्रावधानों के आधार पर हुआ, तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ इसी के प्रावधानों के आधार पर, संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, गठन। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सहयोग सुरक्षित करने क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1942। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में वही व्यक्ति शामिल हो जो अपना सर्वस्व निर्वाह करने की क्षमता रखता है, ठीक है। यहाँ करो या मरो से मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे खिलाफ हिंसा करेगा तो हम भी हिंसा करें। गांधी ने ये कहा है कि करो और मरो, यानी तब तक इस आंदोलन में रहो जब तक ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ही गांधी जी की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, क्योंकि अंग्रेजों ने जीरो आवर चलाकर सबको जेल में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ये आंदोलन चलता रहा, और यही गांधी जी की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे या कभी ये नहीं कहते कि मैं देश आज़ाद करा सकता हूँ, वो जन जागरूकता लाना चाहते थे और जन जागरूकता लाने में वो सफल हुए, ठीक है। देखिए डांडी यात्रा, डांडी यात्रा गांधी ने 12 मार्च को शुरू की थी, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से शुरू की थी, फिर डांडी गए जो नवसारी जिले गुजरात में, वहां नमक को बनाया और उसे तोड़ा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1930 में सी राज गोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून को तोड़ा था? तो सी राज गोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली में, कहाँ नमक कानून को तोड़ा था? त्रिचनापल्ली में, त्रिचनापल्ली में नमक कानून को तोड़ा था सी राज गोपालाचारी ने। धरसना में नमक कानून के मतलब इसके खिलाफ आंदोलन किसने चलाया, किसने नेतृत्व किया था? तो सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया, सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया था, ठीक है। धरसना में सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू। कब बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में बनी, ठीक है। कब बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन में। राजगोपालाचारी के बारे में जान लेते, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, दो बातें। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो
तब भी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल भी कौन है? राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा, राजगोपालाचार्य ने जो नमक कानून, गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के द्वारा नमक कानून को तोड़ने का आंदोलन कहाँ चलाया उन्होंने? तृष्णापल्ली में चलाया, दर्शना मसरोली नायडू में चला, दर्शना मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से, चीनी क्रांति से और फ्रांसी क्रांति से? तो कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। देखिए, फ्रांस जो है प्रबोधन युगीन विचारों से युक्त था। मैं आपको बता दूं, सब जो भी क्रांति या जो भी चीज हुई वो सब कहाँ से शुरू होती है? फ्रांस से शुरू होती है। ठीक है, तो फ्रांस प्रबोधन युगीन विचारों से युक्त था। फ्रांस की जो जनता थी वो जागरूक थी। दूसरी बात आपको बता दूं, फ्रांस के बारे में ये कथन कहा जाता है कि फ्रांस को छींक आती थी तो यूरोप को जुकाम हो जाता था। फ्रांस को छींक आती थी तो यूरोप को क्या हो जाता था? जुकाम। फ्रांस में लोग प्रबोधन युगीन विचारों से युक्त थे, जागरूक थे और उन्होंने ही सबसे पहले अपने राजा के प्रति आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो यहाँ भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से लिए गए हैं? हमने फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ नारा किस से संबंधित है? दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तो यह नारा संबंधित रूसी क्रांति से। कहाँ से संबंधित है? रूसी क्रांति से संबंधित है। दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाओ, ये नारा कहाँ से संबंधित है? रूसी क्रांति से संबंधित है। और ये कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था। ठीक है, किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया। ठीक है, देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अधिवेशन कब? दिसंबर के महीने में होता था। ये सितंबर 1920 में भारत का जो विशेष, ये विशेष अधिवेशन था। कैसा अधिवेशन था? विशेष अधिवेशन था। ठीक है, और इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था कलकत्ता में। कहाँ आयोजन किया गया? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी तुम्हारे लाला लाजपत राय ने। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इसी अधिवेशन में सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव प्रस्तुत ठीक है, जिसका विरोध किसने किया? इसका विरोध सी आर दास ने किया था। ठीक है, बाद में सी आर दास ने विरोध वापस ले लिया था। और नागपुर में जब यह अधिवेशन हुआ वी राघवाचारी की अध्यक्षता में, तब अशोक आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष सी आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था। बाद में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, तब सी आर दास ने अपना विरोध वापस ले लिया और उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुख्यात दुशासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता भी है? कुख्यात दुशासन। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा दुशासन लाया गया, सबसे पहले दुशासन लाया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम में क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, द्वैत शासन लागू।
1919 के अधिनियम को, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो 1919 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम में क्या था, प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, वहां उत्तरदायी सरकार बनाई गई, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू, प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त। द्वैत शासन समाप्त, प्रांतों से क्या समाप्त कर दिया गया, द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, प्रांतों से क्या हुआ, द्वैत शासन समाप्त हो जाता है और केंद्र में द्वैत शासन लागू, केंद्र में द्वैत शासन लागू, शासन लागू कहां लागू हो जाता है, केंद्र में लागू हो जाता है द्वैत शासन। ठीक है, 1909 का अधिनियम, इसे मोल्डमेंटो सुधार कहते हैं, इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन किसके लिए, मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसको दिए गए मुसलमानों को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो शासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम के तहत लाया गया था, तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था, लेकिन कहा प्रांतों में लागू हुआ था और 1935 में प्रांतों का समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो देखिए प्रस्तावना में समानता, भाईचारा, संप्रभुता सारे शब्द उल्लेखित है, लेकिन ये समतावाद उल्लेखित नहीं है। क्या उल्लेखित नहीं है, समतावाद नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समतावाद होगा। ठीक है, समतावाद उल्लेखित नहीं है, संप्रभुता, भाईचारा और समानता शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, जबकि देखिए संप्रभुता जो है किसी भी राज्य का सबसे मुख्य तत्व होता है, सोवर्जेंटी किसी भी राज्य का सबसे प्रमुख तत्व होता है संप्रभुता, तो इस क्वेश्चन का आंसर है समतावाद उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर को राष्ट्रीय प्रतीक पर जगह नहीं दी गई है, जो हमारा अशोक चक्र जो लिया गया उसके नीचे, जो अशोक चक्र है उसके नीचे इधर जानवर है, इधर जानवर है, तो आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा जानवर है जिसको इस पर जगह नहीं दी गई है, तो वो ऊंट है, ऊंट को उस पर जगह नहीं दी गई है। ठीक है, शेर, घोड़ा, सांड और हाथियों को अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उस पर जगह दी गई है, लेकिन ऊंट को उस पर जगह नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान ने, भारत के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहित की है, भारतीय संविधान ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहित की है। ठीक है, तो कहाँ से ग्रहित की है, हमने दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, दक्षिणी अफ्रीका से ली है। फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यवस्था कहाँ से ली है, हमने फ्रांस से ली है। वयोवृद्धों का सम्मान, वयोवृद्धों का सम्मान कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। वृद्धों का सम्मान कहाँ से लिया है, हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है, एकल नागरिकता, नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली लिए। दूसरा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा,
भाषा और सूचियां ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और सूचियां, ठीक है। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर है दक्षिणी अफ्रीका, क्या आंसर है? दक्षिणी अफ्रीका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? पहली बात, लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा जनता का शासन। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का और तानाशाही का, ठीक है। तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भारत में? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि प्रतिनिधि खड़ा हुआ है और हम उसे वोट दे रहे हैं। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत अधिक है। राष्ट्रपति का नहीं है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, यानी कि हम अपने द्वारा जो चुन, हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? प्रतिनिधियों को। तो भारत में किसका लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील, कौन सा समझौता किया? पंचशील समझौता किया था। किस पड़ोसी के साथ पंचशील समझौता किया था? और वह पड़ोसी है हमारा चीन, ठीक है। चीनी हिंदी भाई भाई कहकर इसने क्या किया? छुरा भोंक दिया, ठीक है। चीनी हिंदी भाई भाई का नारा भी दिया गया था, चीनी और हिंदी भाई भाई, और बाद में इसने क्या किया? छुरा भोंक दिया हमारे साथ। 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था। पंचशील समझौता किसके साथ हुआ? हमारा चीन के साथ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल सबसे बड़ा है, जो चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन व मंगोलिया में, मंगोलिया में स्थित है गोभी का मरुस्थल। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है। ये भी मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भारत में स्थित है, भारत में, ठीक है। थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे अधिक अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। जन घनत्व वाला मरुस्थल, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे अधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है वाला मरुस्थल है, ठीक है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल, ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, सबसे शुष्कतम मरुस्थल, सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? अटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोभी का मरुस्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आल्प पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आपसे पूछा गया कि आल्प पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? उत्तरी अमेरिका में रॉकी, उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? रॉकी है। दक्षिणी अमेरिका में एंड्रीज, बड़ी पर्वत श्रृंखला एंड्रीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला एंड्रीज, ठीक है। आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंड्रीज है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी है? एटलस, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी एटलस पर्वत श्रृंखला है?
आपसे पूछा गया आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एशिया में कौन सी है? एशिया में हिमालय, हिमालय। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ऊंची पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे वो आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी रॉकी है? दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस, और एशिया में हिमालय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति है, देखिए पहले तैतिस सागर था, क्या था? तैतिस सागर, और उसमें जो हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां बहती थी, वो नदियां उसमें बहाव आके क्या लाती गई, मिट्टी लाती गई, उसकी गाद भर गई, और उसके बाद प्लेटों का उत्तर की ओर सरकना हुआ, और उससे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय इसका तैतिस सागर, हिमालय किस भूसन्नति से हुई है, हिमालय की उत्पत्ति तैतिस सागर भूसन्नति से हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है तैतिस सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ठीक है, चोमा लंगना कहाँ कहते हैं? ये तिब्बत में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तिब्बत में। चोमा लंगना माउंट एवरेस्ट को कहाँ कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। चलिए, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी है? कंचनजंगा है। क्या, कौन सी है? कंचनजंगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी ऐसी नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। लगभग यूरोप के 10 देशों के होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी यूरोप के लगभग 10 देशों से गुजरती है। 10 देशों से। ठीक है, वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ठीक है, राइन नदी, ये भी यूरोप में, और यह यूरोप में सबसे व्यस्ततम जलमार्ग बनाती है। सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है इसका, सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग, जलमार्ग है कहाँ का? यूरोप का। ठीक है, यूरोप, राइन नदी। ठीक है, तो विश्व सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी? डेन्यूब नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि येलो नदी किस देश से होकर गुजरती है? देखिए, येलो नदी यानी पीली नदी, इसको वांगहो नदी भी कहते हैं, वांगो नदी। ठीक है, वांगो नदी कहते हैं। ठीक है, ये अपने साथ पीली मिट्टी ऐसे क्षेत्र से होकर बहती है जहाँ मिट्टी पीली होती है, इसके कारण इसका जल कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, इसलिए इस नदी को येलो रिवर भी कहते हैं। और यह नदी कहाँ है? चीन में। चीन की प्रसिद्ध नदी है वांगो नदी। ठीक है, चीन में एक नदी और है, यांग टीसी नदी। यांग टीसी नदी, ये भी कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है,
एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। यांग टीसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी, ठीक है। यूएसए में कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है, जो पक्षी आकार का डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी नदी, सिपी नदी, ये पक्षी आकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी कैसा डेल्टा बनाती है? पक्षी आकार का डेल्टा बनाती है। रूस की तो मैंने आपको बताया, रूस में कौन सी है? बोल्गा, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग, याद कर लो, मरे डार्लिंग, ठीक है, मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग भी याद कर लीजिए, ठीक है। और ये कहा गया ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा गया है कि येलो नदी किस देश से गुजरती है, तो चीन से गुजरती है। यांगटीसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। कौन से डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एशिया में स्टेपी, यूएसए कनाडा में प्रेयरी, यूएसए और कनाडा में प्रेयरी पाए जाते हैं। तो आपसे बचा कि बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्ट्स अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। आइए अन्न को जान लेते हैं। तुम्हारा सेल्वास घास के मैदान अफ्रीका, ठीक है। सवाना लिखिए, सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में, सवाना, सवाना का है अफ्रीका में, अफ्रीका। लानोज वेनेजुएला, लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला। कंपोज, ब्राजील, कंपोज कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में, ठीक है। ये सारे कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, ठीक है। और एक और पंपाज अर्जेंटाइना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, पंपाज अर्जेंटाइना, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि अब घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए? तो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? सवाना पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन लेनिनग्राद से व्लाडिवोस्टोक को जोड़ती है। रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन लेनिनग्राद से व्लाडिवोस्टोक को जोड़ती है और ये रूस में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा के रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? मानव त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी, देखिए, हीमोग्लोबिन, ये रक्त में पाया जाता है, रक्त में, ठीक है। और रक्त में भी किस में? आरबीसी में। और इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ये लाल रंग होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आपसे पूछा कि त्वचा के रंग के लिए कौन उत्तरदायी हो? त्वचा के रंग के लिए मिलेनिन उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? मिलेनिन जो है त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है वो हार्मोन कौन सा होता है? तो देखिए, वो हार्मोन होता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? थायरोक्सिन होता है। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन के रूप में हम भोजन को क्या करते हैं? संचित रखते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को हम क्या रखते हैं? संचित रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सोने की शुद्धता नापी जाती है? आप सबको पता है सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो देखिए, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, ठीक है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट, 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है।
लेकिन 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। कोई सोना कैसा होता है, मुलायम होता, वो मुड़ जाता है, ठीक है। इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। और शुद्धतम आभूषण जो बनाए जाते हैं 22 कैरेट के होते हैं। कितने के होते हैं, 22 कैरेट सोने के। शुद्धतम आभूषण 22 कैरेट सोने के मिले, 24 कैरेट के आभूषण नहीं बनाए जाते, जबकि 24 कैरेट सोना शुद्धतम होता है, ठीक है। वाट शक्ति का मापक, ठीक है, वाट द्वारा किसको मापा, शक्ति को, मीटर लंबाई को, और नॉट जो है समुद्र में जहाज की गति को मापा जाता है नॉट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी 36 पंक्तियों किस नाम से जाना जाता है। देखिए आवर्त सारणी में ऐसे पंक्तियां जो 36 होती हैं इस प्रकार, और ऐसे जो वर्टिकल पंक्तियां होती हैं ये, तो इन 36 पंक्तियों को जो कहते हैं उनको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और इन जो वर्टिकल पंक्तियां इनको कहते हैं ग्रुप यानी वर्ग, इनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं या समूह, क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं इनको, ग्रुप समूह, क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 36 पंक्तियों किस नाम से जाना जाता है, आवर्त के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मेंडलीफ ने बताया था। आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मेंडलीफ ने बताया था, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक कल से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे एसएससी जीडी के लिए, वह उम्मीद करता हूँ वह भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।